हेलो गाइस, तो गाइस मेरा नाम है सौरभ शर्मा, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और एक्साइटेड ब्लॉग के अंदर। तो गाइस आज हम घूमने आए हैं बहुत ही मज़ेदार जगह है, और ये एक मंदिर है वैसे तो गाइस, लेकिन यहाँ पे आप घूम आ सकते हैं, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो अपन चलते हैं और देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तब तक मिलते हैं, बाय। दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार जगह है। आप ये मतलब ये इतना प्यारा है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो कारीगरी है, आप देखोगे ना इसको पास में से, ये आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बारीकी से इसको बनाया गया है। यहाँ पे जो आकृतियाँ हैं दीवारों के अंदर, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और वैसे देखा सके तो घूमने के लिए इससे बढ़िया जगह और नहीं मिल पाएगी। और सच में ये जब तक की जो मैं जब घूमा हूँ जगह, वहाँ पर मतलब अब तक की सबसे बेस्ट जगह है, जिसमें ये कितनी बारीकी से कारीगरी करी गई है, और इतना प्यारा है यहाँ पे। मतलब साफ़ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान रखते हैं मंदिर के अंदर। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं मिलता, और ये बहुत ही प्यारा है। आप आइए ज़रूर यहाँ पे घूमना ज़रूर एक बार। तब तक आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या नाम है, काफ़ी सारी जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है वैसे तो, लेकिन एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे आप इस तरफ देख सकते हैं, आपको उल्टा दिखाई देगा वैसे तो, लेकिन चलो ये छोड़ो, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सारी मस्ती करनी है आज के ब्लॉग के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग करना है। मेरे साथ और भी लोग आए हैं, पर वो अपनी फ़ोटोशूट कर रहे हैं, और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक ब्लॉगिंग करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गया। और आज इस मंदिर के बारे में ज़्यादा तो देखो कह नहीं सकते, लेकिन जितना हो सकेगा उतना इसका वीडियो बनाएंगे। ओके चलते हैं। ये गाइस मैं यहाँ पर आ तो गया, बट यहाँ पर किसी चीज़ का वो लग रहा है, यहाँ पे टिकट से एंट्री हो रही है। अब ये पता नहीं किस चीज़ की एंट्री है, पर पूछते हैं अपन भी चल के अंदर कि किस चीज़ की एंट्री है, ताकि ये तो पता चल सके कि एंट्री किस चीज़ की हो रही है। मुझे भी नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि मैंने इससे भी जगह के बारे में सुना था, यहाँ पे एंट्री भी है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे हो तो रही है, शायद वो किसी अलग ही चीज़ की है। बाकी बाहर घूमने का कोई चार्ज नहीं है, अब अंदर का पता नहीं, मुझे एक बार देखते हैं पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यहाँ पे एंट्री होती है नहीं होती। ये टिकट किस चीज का है वैसे? अंदर प्रदर्शनी देखने के लिए। प्रदर्शनी देखने के लिए क्या चार्ज है टिकट का? 20 रुपये टिकट। चलो ठीक है, ये 20 रुपये का टिकट है, जो प्रदर्शनी शायद कोई आकृतियाँ या कुछ और होगा तो वो देखने का नीचे चार्ज है, और नीचे एक अलग से बनाया गया उसके लिए। तो शायद ये भी बहुत ही जगह अच्छी चीज़ का होगी, वरना तो इसका कोई चार्ज होता नहीं, तो एक बार देखना चाहिए आपको ये आके भी। बाकी बाहर आप कितना भी घूम लीजिए, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार जगह है। मैं तो खुद यहाँ पर अकेले घूम रहा हूँ, लेकिन लिटरली इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना कि क्या बताऊँ। आप देखो यहाँ की मतलब सभी चीज़ को, एक बार आप वापस देखते हैं अपन। अभी जैसे गाइस मैंने आपको शुरू में ये दिखाया था, ये वाटर पहले एक छोटा सा जिसमें चारों तरफ जैसे पानी गिर रहा है, इसमें काफ़ी सारे सिक्के भी गिरे हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे इस वीडियो के अंदर, इसमें काफ़ी सारे सिक्के भी गिरे हुए हैं, शायद इसमें चढ़ाने का होगा। वैसे मैंने सुना है यहाँ पे कि अगर ये सिक्का गिरा के अगर अपन कुछ मांगते हैं तो यहाँ पे मन्नत भी पूरी होती है, तो
अगर आपके पास में एक छोटा सिक्का हो तो वो भी ट्राई कर लेना, बाकी मन्नत तो पूरी हुई ही, कहाँ इतने सारे हैं सिक्के, आप देखो कितने सारे सिक्के हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बीच में सारे सिक्के ही हैं, तो शायद ऐसा भी कहते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो गाइस अब बारी है मंदिर के अंदर जाने की, अब तक अपन ने सिर्फ बाहर बाहर से मंदिर देखा, तो अब इस मंदिर के अंदर से जाके देखेंगे कि मंदिर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी, अगर आप लोगों को भी ये पसंद आए ना तो यहाँ पे एक बार आकर ज़रूर देखना, विजिट ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये गारंटी है कि यहाँ पे एंटरटेनिंग चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मिलते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर, चलेंगे क्या मिलते हैं, पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, दर्शन करते हैं, अगर अलाउ हुआ तो ज़रूर करेंगे। गाइस हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ताकि हम लोग अभी सही टाइम पर आए जहाँ पे इसमें मंदिर के पट अभी खुले हुए हैं, तो पहले जाके सबसे पहले हम लोग मंदिर के दर्शन कर लेते हैं ताकि ये पट खुले हुए मिल जाए, वरना तो फिर बाद में तो बंद होने के बाद में तो क्या है, फिर उसके बाद में मंदिर पूरा देखेंगे, फिर चलते हैं दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के, और जैसा कि आपने देखा कि ये कितना प्यार है, मतलब यहाँ पे मतलब कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग बनाई गई है, सिर्फ हाथ से बनाई गई है, और अभी मतलब अब तो खैर पट बंद हो चुके हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार जगह ये है कि यहाँ की आपको सुंदरता बहुत ही अच्छी लगेगी, तो एक बार आके ये मंदिर विजिट ज़रूर करें। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, बट ये जो ब्लॉगिंग के अंदर जो भी कुछ है मैंने बताया, जैसे आपको ये घूमने की जगह है और बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है, और आप अंदर भी आके बहुत मस्ती कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जैसे पीछे के साइड चलते हैं थोड़ा सा, अब जैसे मैं आपको इसकी आकृतियाँ बताता हूँ कि कितनी ही प्यारी इन्होंने आकृतियाँ बना रखी है, सभी अलग अलग चीज़ों की है, एक्चुअली ये तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें इन्होंने हाथ से कारीगरी करी है और बहुत अच्छे से करी है। तो गाइस मिलते हैं एक और ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ऐसे ही वीडियोस और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो इसी मज़ेदार के साथ में एक और नया ब्लॉग्स लाएंगे, जल्दी ही हम लोग नया लाएंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बाय बाय।